वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाइट एजुकेशन पे। सुबह के 9 बज चुके हैं और 8th ऑफ अगस्त का ये करंट अफेयर जो कि आपके बिहार के आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं डेली आपको सुबह 9 बजे दिए जा रहे हैं, तो आप भी अटेंड करें और आप भी इन सभी का आंसर जरूर करें, जरूर देखें इस वीडियो को। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी, बिहार एसएससी या बिहार दरोगा या कांस्टेबल की, तो आप जल्दी जुड़े हमारे साथ, क्योंकि इसके लिए रिगार्डिंग, इन सभी के रिगार्डिंग यहाँ पे क्यूज सेक्शन आपके जल्दी शुरू किए जाने वाले हैं, तो उन सभी क्यूज सेक्शन और क्लासेस को जरूर अटेंड करेंगे आप लोग। जी हाँ, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जल्दी जुड़िए, ज्यादा ज्यादा लोगों तक ये न्यूज अपडेट पहुंचाइए। चलिए पहला क्वेश्चन पे चलते हैं, और वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे अबाउट वाले सेक्शन में जाएंगे, वहां से आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाके हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने आपको इस पीडीएफ में भी दे रखा है, वहां से भी आपको ये मिल जाएगा। चलिए सवाल नंबर एक, हाल ही में किस संस्थान को गांधीवादी युवा तकनीकी नौचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? जल्दी से आंसर करेंगे, और जितने लोग यहाँ पे आंसर करेंगे जी नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहेंगे। एग्जैक्टली, जिनका उत्तर आया है आईआईटी खड़गपुर इज द राइट आंसर। नोट कर सकते हैं यहाँ पे खड़गपुर जो है वेस्ट बंगाल का क्षेत्र में आता है, क्योंकि सवाल बना है वेस्ट बंगाल से, तो याद रखिएगा यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं वो ममता बनर्जी हैं, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो जगदीप धनखड़ हैं, और यहाँ की कैपिटल सिटी कोलकाता होती है, ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। दोस्तों एक टैगलाइन है आईआईटी खड़गपुर का, योग कर्मसु कौशलम। जी हाँ, ये ध्यान रखेंगे आप लोग यहाँ पे। इसके निदेशक जो है दामोदर आचार्य हैं, और करीब 2100 एकड़ में ये पूरा संस्थान जो है फैला हुआ है। आपको बता दें कि 2020 के लिए सम्मानित किया गया है तकनीकी नौचार गांधीवादी युवा के लिए ये विश्वविद्यालय। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर टू पे, हाल ही में किस राज्य ने महिला सशक्तिकरण के लिए ITC, HUL एंड PNG के साथ समझौता किया है? एग्जैक्टली, जिनका उत्तर आ रहा है दोस्तों यहाँ पे इट्स ए, यानी कि आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। दोस्तों आंध्र प्रदेश के CM का नाम क्या है, तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जी हाँ, जगमोहन रेड्डी, नोट कर सकते हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है, तो विश्वभूषण, नोट कर सकते हैं विश्वभूषण। जी हाँ, और यहाँ की कैपिटल सिटी क्या है, तो कैपिटल ये विश्वभूषण हरिचंदन है इनका नाम पूरा, और इसकी कैपिटल सिटी क्या है, तो कैपिटल सिटी है अमरावती। और यहाँ पे मैंने कल एक क्वेश्चन दिया था जिसे बताया था कि ये तीन राजधानियों वाला पहला राज्य बन चुका है, तो याद रखिएगा अमरावती इसकी कैपिटल सिटी है लेजिस्लेटिव, ठीक है। चलिए इनके बारे में मैंने एक छोटा सा स्टैटिक पार्ट भी यहाँ पे आपको दे रखा है। जी हाँ दोस्तों, जिसे आप बताएंगे कि यहाँ पे HUL और PNG के साथ एक समझौता हुआ है, जी हाँ, महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, नोट कर सकते हैं HUL यानी कि हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड कंपनी है, और ITC भी एक लिमिटेड कंपनी है, जिनके साथ मिलकर यहाँ पे अब महिलाओं के लिए बहुत सारे रोजगार उत्पन्न किए जाएंगे। दोस्तों ये राज्य भाषा यहाँ की तेलुगु होती है और अंग्रेजी भी है, ध्यान रखेंगे। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1953 पे हुई थी, लेकिन इसका इतिहास है कि ये भाषा के आधार पर, जी हाँ भाषा के आधार पर ये पहला राज्य बना था जब इसके बंटवारे किए गए थे, ठीक है। दोस्तों इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये पहला राज्य फिर से बना है जहाँ पे तीन राजधानियां हैं, तो एक तो अमरावती है, एक विशाखापट्टनम है, और तीसरा का नाम आप लोग कमेंट कीजिए, क्योंकि मैंने कल के ही वीडियो में आपको ये सारा डिटेल बताया था, चुके ठीक है। सवाल नंबर तीन पे चलते हैं, बात होती है आकाशवाणी की, आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं, याद रखिएगा, जयदीप भटनागर को, नोट कर लेंगे यहाँ पे, आंसर ए हो जाएगा। और ये जो है एक सरकारी संस्थान है जिसके थ्रू यहाँ पे लोगों तक, जन जन तक ये अपने संवाद पहुंचाए जाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली होता है, और इसकी स्थापना अगर पूछ दे तो सन 1927 में की गई है। दोस्तों जयदीप भटनागर जो है ये 1986 कैडर के ये भारतीय सूचना सेवा अधिकारी भी रह चुके हैं। चलिए सवाल नंबर चार पे चलते हैं, दोस्तों खेलो इंडिया योजना की आम परिषद की पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल, जिनका उत्तर आ रहा है दोस्तों यहाँ पे इट्स बी, श्री किरण रिजिजू। किरण रिजिजू कौन है, ये हमारे युवा मामलों में खेल मंत्री हैं, ये आप इस बात का ध्यान रखेंगे। दोस्तों केंद्रीय खेल मंत्री हैं रिजिजू, जो कि खेलो इंडिया योजना के तहत इन्होंने सामान्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता भी की है, और भारत सरकार के लिए ये
यहाँ पे 20 विश्वविद्यालयों में खेल की उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को शुरुआत करने जा रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ से जो स्टैटिक पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जी हाँ, जैसे कि खेलो इंडिया प्रोग्राम जो है ये सबसे पहला चरण इसका सितंबर 2017 में किया गया, दूसरा चरण 18 में किया गया, जो कि अब यहाँ पे 2020 में होने वाला था, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 यहाँ पे इसको स्थगित भी किया गया है। दोस्तों यहाँ पे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और हर वो विद्यार्थी अब यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता था जो कि 8 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के बीच इनकी उम्र सीमा होनी चाहिए थी, जो कि स्कूलिंग में होती है ऑलरेडी। और यहाँ पे इनाम राशि भी रखा गया है। ये सवाल पूछ सकता है कि कितना राशि रखा गया है, तो 5 लाख रुपए जी हाँ, और प्रशिक्षण भी दिया जाएगा उनको अगर वो अच्छा करते हैं तो, चलिए 8 वर्षों तक। अगला सवाल पे चलते हैं। हाल ही में किस संगठन ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC का सहकार कॉपट्यूब NCDC चैनल लॉन्च कर लिया है। कॉपट्यूब ये नया नाम है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा इट्स अ डी, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने, यानी कि NCDC ने, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने ये अनाउंसमेंट किया है इसको लॉन्च करने का। दोस्तों आपको बता दें कि NCDC के बारे में अगर पूछे यहाँ पे तो इसका स्टैटिक पार्ट है कि इसके फाउंडेशन हमेशा पूछता है, तो 13 मार्च 1963 को इसका फाउंडेशन किया गया था। दोस्तों इसकी पेरेंट डिपार्टमेंट कंपनीज में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर भी आते हैं। हेडक्वार्टर पूछ ले तो यहाँ बताइएगा न्यू दिल्ली होता है। तो यहाँ पे ये चैनल लॉन्च किया गया है दोस्तों किस लिए, तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा 4 अगस्त को, जी हाँ ध्यान रखेंगे। अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 6 पे। दोस्तों हाल ही में एशिया प्रशांत के कार्यकारी बोर्ड के संयुक्त राष्ट्र पर्यावस अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बिल्कुल, ईरान को किया गया यहाँ पे दोस्तों, एशिया प्रशांत के कार्यकारी बोर्ड के लिए यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र का यह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है ईरान को। सवाल बनता है ईरान से, तो ईरान की राष्ट्रपति का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत ही फेमस है और ट्रेंड में रहते हैं ये, जहाँ ट्रेंडिंग में रहते हैं ये एक्चुअली, हसन रूहानी। ईरान की राजधानी तेहरान होती है और फारसी बोली जाती है यहाँ पे, मुद्रा जो है यहाँ की रियाल होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान और संयुक्त राष्ट्र मानव बस्तियों को एक कार्यक्रम और राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र के पर्यावास द्वारा एशिया प्रशांत के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, क्योंकि ईरान जो है एक इस्लामिक कंट्री है, जी हाँ दोस्तों, और यहाँ के आयतुल्लाह अली खुमैनी जो कि सर्वोच्च नेताओं में से एक है इनका नाम। चलिए सवाल चलते हैं 7 पे। स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक के संपादक कौन है? बिल्कुल, जिनका उत्तर आ रहा है यहाँ पे नोट कर सकते हैं, इट्स बी परमेश्वरन अय्यर, नोट कर सकते हैं दोस्तों, स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक के संपादक परमेश्वरन अय्यर हैं। दोस्तों आपको बता दें कि स्वच्छता विभाग को लेकर यहाँ पे जो भी अपडेट मैं आपको दिया हूँ ये स्टैटिक पार्ट में लिखकर आपके लिए देता हूँ ताकि चीजें आपको ध्यान में रह सके, ठीक है। तो ये पुस्तक का आधिकारिक शुभारंभ 4 अगस्त को ही किया गया था और इसको हिंदी अनुवाद किया गया है दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे स्वच्छ भारत क्रांति का हिंदी अनुवाद किया गया है। यह पुस्तक मुख्यतः जो है भारत के अभियान, स्वच्छता अभियान को लेकर एक पहल है जिसमें कि समाज सेवा के प्रति 35 ऐसे लेख यानी कि एशेज जो है लिखे गए हैं। चलिए सवाल, जिसके यहाँ पे लेखक हैं कौन, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आंसर यहाँ पे परमेश्वरन अय्यर हैं। आइए सवाल नंबर 8 पे। हाल ही में किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद एक उम्मीद अभियान शुरू की है? किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद, तो कोना कोना उम्मीद जो है ये अभियान शुरू हुआ है दोस्तों कोटक महिंद्रा के द्वारा, ठीक है, आंसर आ चुका यहाँ पे आपके लिए। तो यहाँ पे स्टैटिक पार्ट मैंने आपके लिए बताया है कि इसके CEO और MD कौन है, तो उदय कोटक हैं और फरवरी 2003 में इसकी स्थापना हुई है, मुंबई में इसका मुख्यालय है। तो ये 3 चीज तो जरूर पूछता है एग्जाम में और ध्यान भी रखेंगे। दोस्तों ग्राहकों में आशा और विश्वास कायम रखने के लिए इस नए ऑफर और भारी छूट वाले 2 महीने लंबे अभियान को जिसका नाम है कोना कोना उम्मीद, जी हाँ इसको शुरू किया गया है कोटक महिंद्रा के द्वारा। सवाल नंबर 9 पे चलते हैं। हाल ही में महिला उद्यमिता और सशक्तिकरण WEE को हॉट पहल किस संस्थान के द्वारा शुरू किया गया है? हॉट पहल, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इट्स अ सी, IIT दिल्ली के द्वारा ये शुरू किया गया है, क्योंकि देखिए एक IIT खड़गपुर से पहला क्वेश्चन बना था और ये IIT दिल्ली से, तो इसकी स्थापना सन 1961 में की गई थी। इसके अध्यक्ष जो हैं वो कुमार मंगलम बिरला हैं और डायरेक्टर अभी कौन है, तो वी रामगोपाल राव, ठीक है, और ये हौज खास दिल्ली में स्थित है ये संस्थान।
तो ये क्यों इसको शुरू किया गया है, तो महिला उद्यमिता और सशक्तिकरण WE को हॉट पहल IIT दिल्ली द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इसको प्रायोजित भी किया जाएगा, समर्थित किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए IIT खड़गपुर ने भी वही उद्देश्य महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर ये चीजें की है, और यहाँ भी IIT दिल्ली ने भी यही किया है, तो इस चीज का दोनों ही ध्यान रखिएगा और याद भी रहेगा आपको इस चीज से लेकर। सवाल नंबर 10, दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल कहां बनाया जा रहा है? एग्जैक्टली, जिनका उत्तर आ रहा है यहाँ पे, इट्स अ केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। नोट कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे चिनाब नदी के ऊपर जहां पे दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल 2021 तक तैयार भी हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि 2022 तक कश्मीर घाटी को पूरे भारत से भी जोड़ दिया जाएगा, तो एक तरफ भारत अपनी ओर से या भारत कश्मीर के ऊपर पूरा हावी होता जा रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान और चाइना, ये दोनों ही, जी हाँ चाइना, दोनों ही मिलकर अपने नापाक हरकतों से, जी हाँ, यहाँ पे पूरे कश्मीर को कब्जा फिर से करना चाह रहे हैं, जिसके चलते वो अपने सैन्य अभ्यास, तो कोई ब्रिज का निर्माण वो भी करवा रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पे एक बार फिर से युद्ध की संभावनाएं बनती हैं। ऐसे तो आशा करते हैं, कामना करते हैं कि ऐसा ना हो, क्योंकि इस पुल की ऊंचाई जो है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे 467 मीटर होगी और नदी तल से ये 359 मीटर की ऊंचाई पर होगी। दोस्तों इसका डिजाइनिंग जो है वो 266 किलोमीटर के प्रति घंटा की हवा को झेल सकता है, यानी कि ये लटकता हुआ पुल होगा। ठीक है, पिलर होंगे पर 266 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा को ये झेल सकेगा, इसमें इतनी ताकत होगी। दोस्तों जम्मू कश्मीर की बात हुई है तो यहाँ ध्यान रखिएगा, एक नया अपडेट है यहाँ से, उपराज्यपाल यहाँ के अब मनोज सिन्हा बन चुके हैं, यह गिरीश चंद्र मुर्मू यहाँ से अब हटाए जा चुके हैं और यहाँ से वो बने हैं मनोज सिन्हा। दोस्तों आपको बता दें कि राजधानी इसकी श्रीनगर होती है मई से अक्टूबर महीने तक, और जम्मू होती है नवंबर से अप्रैल महीने तक। 20 जिले हैं अब यहाँ पे इस राज्य में,